नीट यूजी 2024 की परीक्षा को और इसके रिजल्ट को लेकर काफी सारा विवाद इस समय देश में जारी है। लगातार कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि गड़बड़ी हुई है तो देखना जरूरी है क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए समय रहते उचित कार्रवाई करेगा। आपको बता दें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है। इस पूरे मामले पर वकील ने क्या बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेज ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्जाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेज ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया है। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर पिटीशन आ रहे हैं, एक आपका भी है, इससे पहले भी आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है सर, 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये 1 फिक जो आप फिगर पे आए हैं कि 1,563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूंगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं, क्योंकि और भी और एविडेंस जैसे हो रहा है, एविडेंस ऑफ मास चीटिंग, एविडेंस ऑफ फ्रॉड, एविडेंस ऑफ कोल्यूशन सामने आ रहा है।